while I was in the mall. Fucking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. While I was in the mall. Fucking around acting right now. I ain't tryna tell you. पहले तो हमारे तक चले थे। बढ़िया लग रहा है यार। ओ नू। बढ़िया सच में। अरे यार बताओ गाइस यार कैसा लग रहा है यार ये पूछ रहा है कैसा लग रहा हूँ मैं तो अच्छा लग रहा है भाई वो देख फोटो शूट हो रहा है उधर वो देखो वही तो बंदे हैं जो अभी आए थे यहाँ पे और बोल रहे थे कि हमें उसके ऊपर चढ़ना है और फोटो क्लिक करनी है पर वहाँ पे भाई साहब जिनकी ड्यूटी रहती है वो बोल रहे थे नहीं वहाँ से बहुत बंदे पहले गिर चुके हैं और डेथ हो चुकी है उनकी सो करते हैं यार आज के व्लॉग यहीं पे स्टार्ट। हेलो चुप हो जाओ यार। हेलो गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग्स। आपको पता ही है मैं करनाल आया हूँ तो मैंने सोचा चलो यार कुछ काम से आए थे बाहर क्यों ना व्लॉग भी बना लेते हैं। तो मैं मेरे साथ है मिस्टर कालू दादा आप जानते ही हो और ये है हमारे दोस्त यार आजू ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्यों आया हूँ मैं तो यहाँ से मेरी एक यादें जुड़ी हुई है वो याद ये है हम यहाँ से निकल रहे थे अभी तो मैंने सोचा क्यों ना यार एक किस्सा हुआ था हमारे साथ यहाँ पे स्कूल में हुआ था ना। yes, कौन सी क्लास में थे हम? 9th क्लास में थे हम और हम क्लास बंक करके यहाँ पे आए हुए थे नहा रहे थे मतलब यहाँ पे आके ये बहुत बड़ा है यहाँ पे कितनी नहरें मिलती हैं 1 2 3 4 नहरें मिलती हैं यहाँ पे ठीक है। तो ये जॉइंट है पूरा एक चौंक लगा लीजिए आप चौंक टाइप है। तो यहाँ पे नहा रहे थे हम तो हम कितने बंदे थे 6-7 बंदे थे हम लोग और हम जैसे ही नहा रहे थे यहाँ पे आई एक लाश लाल लाल आई थी और हमारे साथ एक बंदा था उसका नाम है टोनी था हमारे साथ और वो डर गया था पूरा यार लाश को देख के कि लाश आ गई है भागो यहाँ से याद आ रही थी उसकी। तो क्यों ना यार मैं सोचा चलो व्लॉग बना लेते हैं बाकी यहाँ पे फोटो शूट वगैरह करते हैं जो भी आते हैं लोग कोई वहाँ पे खड़ा होता है तो इन्होंने भी बोला चलो फोटो शूट भी कर लेंगे और तुम वीडियो भी बना लियो। पूरा पानी रहता है हमेशा और यहाँ पे जो भी लाश आती है ना पीछे से यहाँ पे फंस जाती है या उस तरफ फंस जाती है तो ये ऐसा ही रहता है यहाँ पे। बढ़िया है यहाँ का माहौल यहाँ पे आके एक शांति से महसूस होती है यार यहाँ पे बैठे रहे आराम से। जब स्कूल में आते थे हम ऐसे ही बैठे रहते थे। अब तो यहाँ पे रोड बन गया और ये ग्रिल वगैरह लग गई है चारों तरफ पहले नहीं था ऐसा कुछ भी। सर पत्थर के साथ खेलते थे जो वो पत्थर नहीं है पर वो अच्छा वो वाला पत्थर नहीं है भाई यहाँ पे एक गोल गोल पत्थर सा होता है और इसको ऐसे फेंकते थे हम ये तो डूब ही गया पर वो ऐसे उछल के जाता था वो आजू करके दिखाएंगे नहीं यार। अब करनाल में आया हूँ तो क्यों ना यार करनाल के भी आपको कुछ दृश्य दिखाए जाए। वैसे ये मेन रोड नहीं है मेन रोड तो उस तरफ है हमारा यार भाई यहाँ से तो पूरा डर लगता है ना कभी गिर ना जाए हम नीचे। चल चले यहाँ से चलते हैं। तो यस से आगे भी कुछ बोल लेगा बस ये इसकी भाई साहब ऐसी ऐसी रहती है और कुछ नहीं बोलता है। ये खड़ी है जी अपनी बाइक अपनी मतलब मेरी बाइक बहुत टाइम बाद चलाता हूँ जब भी आता हूँ घर पे। जिन भाई साहब को लगता है कि नलके खत्म हो गए हैं तो नलके भी हैं आज के टाइम में जिंदे। चल यार पानी पिला दे यार। वाह जी वाह कैसा लगा आपको? कैसा क्या मैं कोई वो थोड़ी ना हूँ कि मैंने कभी नलके का पानी नहीं पिया पहले नलके भी काफी दिनों में पिया होगा अब बहुत टाइम बाद पिया यार। ये पेड़ है बहुत बड़ा बहुत बुढ़ा है बहुत टाइम का है रोड बाद में बन रही है एलईडी पहले लगा दी इन्होंने बीच में। चले फिर अब यस कहाँ लेके जा रहे हो इसको कहाँ से लेके आए हो? यही था कहाँ था किसका था? देखिए गिरेगा इसको इधर ले इधर इधर कर ले इसको एक साइड में कर ले गिर जाएगा ये उसको भी साइड में कर दे इन सबको साइड में कर दे। करनाल अब तो पहले से डेवलप हो गया है ना। यस यस ये पीछे बच्चे भी आ रहे हैं अपनी है। सो गाइस हम आए हैं अभी नूर महल में ये करनाल का सबसे फेमस प्लेस है करनाल का तो यहाँ आना मत भूलिए। देखो यहाँ पे फोटो शूट हमेशा चलता रहता है कोई ना कोई बंदा जरूर मिलता है यहाँ पे। हेलो दादा फोटो शूट कराना है क्या आपको भी हैं? यस से ऊपर भी निकलेगा। चलो अंदर चलते हैं अंदर एंट्री नहीं है क्या इसमें? किसका नाम? अपना नाम दे दियो बस। क्या यहाँ पे हम घूम सकते हैं अंदर? क्यों क्या फीस वगैरह है कुछ? तो होटल है ये। हाँ वो तो मैं समझ गया तो अंदर जा सकते हैं घूम सकते हैं हम घूमना अलाउड नहीं है ना। अच्छा यहाँ पे अलाउड तो है नहीं है बट फिलहाल क्योंकि यहाँ पर आजकल शादियाँ चल रही है ना
तो ये सीन है, देखो पीछे भी सारी चल रही है वो। चले फिर वापिस, मैं सोच रहा था आज घूमेंगे यार इसमें। यार बाबा जी, और ठीक हो जी? ये लो जी, यहाँ पे पोज लगने स्टार्ट हो गए हैं। टास्क है तुम तीनों के लिए भाई, इधर शादी हो रही है, डांस करना है ढोल पे, क्या बोलते हो? 5 मिनट के लिए करना पड़े। शर्मा रहे हो क्या? अच्छा बाहर है। सो गाइस यार, हम ना वैसे जो काम करने आए थे ना, वो ये काम था। जो शर्ट दिखाई हो, ये शर्ट थी, इसमें बटन लगवाने थे, और जो मेन काम था वो अब तक किया नहीं हमने, ऐसे ही घूम रहे हैं इधर उधर। और फोन का जो पैसा कुछ पेंडिंग था वो देने आए थे, तो बस वो तो कर दिया हमने उसका तो हिसाब। और अभी फोटो वोटो क्लिक किया। अभी कहाँ चलना है, और कोई लोकेशन है? सेक्टर 12 सुपर मॉल। वो यार ओल्ड मैन, इतने बुजुर्ग फिर भी साइकिल चला, सीख ले भाई। कर लो अंकल जी, बहुत बढ़िया, आपसे सीख मिलती है एक अच्छी। साइकिल चला रहे हो आप इस एज में भी? बढ़िया। सुपर मॉल में बहुत टाइम बाद, यहाँ से हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया इन लोगों ने, है ना? कालू भी चलती है भाई, कालू सबसे आगे लगाया गया है भाई, किसको जानते हैं सब लोग। रात से पहले तो घर पहुँचना है, घर वालों का देश है। यार क्या हाल है विजय? ठीक है, बंदा तो सेम की सेम है यार, बंदा चेंज नहीं हुआ है ना। वेट कम हो गया, वेट तो कम हुआ भाई, वेट तो कम हुआ। ये है भाई हमारे दोस्त ओम डैडू के नाम से, बहुत पुरानी दुकान है भाई की यहाँ मॉल में। और ठीक है, बस बस यार। क्या बोल रहा है? कौन सी मालिश? अच्छा मसाज मालिश होती है मालिश, ये बोल रहा है कि वह होती है मालिश, वही होती है भाई मालिश। ये हॉन्टेड हाउस में कभी हम बैठते थे यहाँ पे, सो इन्जॉय किया बहुत यार, इससे हमें हमारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। एंट्री गेट है, फीस वगैरह क्या है इसकी? अब एंट्री फीस 70,000। अच्छा ये बना है नया करनाल में है, आई लव करनाल। और ये रेस्टोरेंट है K3C के सामने। कब स्टार्ट होंगे फिर ये? स्टार्ट है मतलब खाने पीने का मिलेगा रात को ही, अब जो स्टार्ट कर रहे हैं लोग। स्माइल करो, सही सही से स्माइल करो। और ये क्या है फिर, सही से स्माइल करना। चलो ड्रामे कर रहे हैं यहाँ। फोटो तो दिखा हमारा। दिखा रहा हूँ चल। ये कालू को अपना फ्रेंड मिल गए यहाँ पे। बोलना इंट्रोडक्शन दे अपना। आप मूवी टाइम में हो? गाना आता है भाई को? सिंगर है, सिंगर है क्या? अरे यार भाई फिर तो यार कोई बनता है यार। कौन सा ये कहा है? मेरे को नहीं पता यार, तो नकली में थोड़ी ना पाते यार वो लोग, लोग असली में पाते। अरे नहीं पाते, गाना तो सुना दे। देख लो यार, कोई भी शर्माना थोड़ी ना यार, तेरे अंदर टैलेंट है ना, तो दिखा ना उसको। चलो चलो स्टार्ट करो। छोटी सी कोई भी यार, भाई साहब का कहने से यार कर दो यार। अरे नहीं होते कोई भी इकट्ठे, फिर क्या होगा इकट्ठे हो गए जाएंगे तुम। हल्की सी कला दिखा दे, छोटा सा ढूंढा। वो तो बाहर है, वो तो वैसे देख रहे हैं। बैठ 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 बैठ, अरे जो गाना सुनाना है वो सुना। यार कालू यार क्या फ्रेंड था तेरा यार वो? अरे वो दिमाग था थोड़ा, हाँ नहीं अच्छा पजल है यार। ये रही है टेलर की दुकान, इस पे नहीं जाएंगे खास बटन। ग्रिल है बढ़िया, वैसे यार जुगाड़ बना रखा सही, बढ़िया लगा। दुपट्टा मार्केट है यहाँ पे, मेहंदी वगैरह लगती है। बाकी यार आज दिन का पता नहीं चला कहाँ गया पूरा दिन, है ना? क्या कर रहे हो रात को तुम लोग? क्या कर रहे हो? हम बना बना खेल रहे हैं। पतंग 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 कहाँ है आपकी?
अच्छा वो कट्टी कट्टी तेरे पास कहाँ है? तेरे पास भी है? ओ वीडियो वायरल हो रही है। मैं किसी के पीछे वीडियो वायरल। सही है यार, हम भी बचपन में ऐसे खेलते थे, रात को दिन में पतंग उड़ाते थे, फिर रात को तो पतंग उड़ा नहीं सकते तो ऐसे गिट्टी गिट्टी खेलते थे हम भी रात को। अरे ओ भाई कौन सी गली में बैठ दे तुम लोगों ने, कितनी छोटी सी है। ये देखो यार रोड देखो आप लोग। भाई निकल भी जाएंगे ना बाहर, ये तो भूल भुलैया जी है यार, खतरनाक। अरे भाई को भूल भुलैया है तो खुफिया रास्ता। बच्चा बैठा है ठीक है, छोटा ड्राम हुआ उसको चुप पीछे। फोटो एच ने। भाई का नाम क्या है यार? नाम नहीं पता आपको? अपना नाम तो बताओ। स्कूल जाते हो ना? स्कूल तो जाते हो? स्कूल नहीं जाते? नाम तो बताओ अपना। मौसम। अरे यार क्या बात है यार, इतना अच्छा नाम ले। देख ठंड इसीलिए तो हो रही है, मौसम का नाम। मौसम खराब हो रहा। स्कूल जाते हो ना? स्कूल क्यों नहीं जाता है आंटी? आंटी ये तो गलत बात है आपकी। हाँ नहीं ओए छुपो मत नीचे। हाँ पढ़ाई इसकी ना खराब होगी बिल्कुल, तो अब इसको कुछ नहीं आता इस बात में। गलत बात है यार, मौसम यार ये तो यार कुछ करना नहीं है क्या? यही बैठना है सारी उम्र? ताऊ जी बोले अभी इसको कुछ नहीं आता, मैडम ने कहा इससे अच्छा तो घर बिठा लो। हाँ तो ऐसे मत बिठाओ ना आंटी को कहीं। तो गाइस यार आज के व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ मैं, क्योंकि यार मेरे फोन की ना बैटरी डाउन होने वाली है, तो इस वजह से मैं ज्यादा व्लॉग नहीं बना पाऊंगा। अब मैं मार्केट में आया हूँ, थोड़ा काम से आया हूँ, तो वो काम कर लेते हैं अपने। आई होप आपको हमारे सारे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे, तो लाइक कीजिएगा चैनल पे, और नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। ओके भीड़ हो गया बाहर।